हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ ठीक ना ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन एक कुछ तो और ट्रिक जिससे हम लोग अपना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स करते समय। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं 11, 12 और 13 से मल्टीप्लीकेशन के अलग अलग तरीके, किस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें और बिना टेबल लर्न किए भी हम लोग इजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं जरा देखते हैं। जैसे मान लें एक नंबर लेते हैं 75 × 11, फिर उसी तरह 75 × 12, सेम उसी तरीके से 75 × 13। मान लें किसी भी बच्चे को अगर टेबल लर्न ना हो तो उसके लिए हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। नॉर्मल टेक्निक है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं। जैसे यहाँ पर तीन स्टेप हमारा यहाँ लगता है, जैसे अगर नंबर 2 डिजिट में हो थ्री स्टेप हमको फॉलो करने होंगे। कौन कौन सा देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप ये 5, 5 को हम लोग यूनिट प्लेस पर लिख देंगे, 5 × 1 ठीक ना, 5 × 1 = 5, ये हमारा क्या है यूनिट प्लेस। अब हम लोग क्या करते हैं 7 + 5 करते हैं, 7 + 5 ये आ गया 12, 12 में जो 2 है यहां पर लिख देंगे 10 के प्लेस पे। जो 2 है वो गया 10 प्लस, ये 1 जाएगा आगे ऐड होने के लिए। अब यहाँ पे 0 इमेजिन करते हैं और 0 + 7 + 1 वेरी, ये हो गया 8, ये हो गया 8, 25। सेम यही तरीका यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके करते हैं। जैसे 5 × 2 = 10, यहाँ हो गया 0, 1 हमारा आगे काम आएगा कैरी के। फिर देखते हैं अब इस बार 7 × 2 करेंगे, 7 × 2 अब प्लस दिस नंबर ये ऐड कर लेते हैं, अब प्लस ये 1 कैरी, तो ये हो गया 14 + 5 19 + 1 20, तो यहाँ पे हो गया 2। अब ये 2 हमारे आगे काम आता है कैरी के। फिर यहाँ पे एक नंबर इमेजिन करते हैं 0, फिर लिखेंगे 0 × 2 अब प्लस ये प्रीवियस नंबर में हम ऐड करके और इस कैरी को ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 9, ये 100 प्लस पे आ गया हमारा। इसको जब हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो जल्दी हो जाएगा, फिलहाल अभी देखने में ज्यादा है। अब देखते हैं यहाँ सेम प्रोसेस जो यहाँ पे × 2 किए वही काम यहाँ पे × 3 करते हैं हम लोग, 15 ये 5 हो गया यूनिट प्लेस से, ये 1 हमारे आगे काम आता है। फिर देखते हैं 7 × 3 + 5, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करके प्रीवियस नंबर 5 ऐड करके ये 1 ऐड कर देंगे यहाँ, 1 जब ऐड करेंगे तो ये हो गया 21 प्लस 5 26 + 1 = 27, यहाँ हो गया 7। अब ये 2 हमारे आगे ऐड करने में काम आता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, फिर उसी तरह यहाँ 0 एज्यूम करते हैं, 0 × 3 प्लस प्रीवियस नंबर 7 एंड प्लस 2, ये आ गया 9, तो ये हो गया 975। सेम प्रोसेस दूसरे नंबर पर हम 3 डिजिट पर अप्लाई करते हैं, 346 × 11। अब जरा यहाँ देखते हैं सेम वही प्रोसेस हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, ठीक यहाँ भी वही लेते हैं 346 × 12, यहाँ पे भी हम लेते हैं वही सेम प्रोसेस और यहाँ पे भी ले लेते हैं 346 × 13, यहाँ भी वही ले लिए सेम डिजिट। अब जरा देखते हैं फिर वही बताएं, पहले यहाँ 6 लिखते हैं, फिर 4 + 6 = 10, 10 में 0 1 आ गया हमारा, फिर 3 + 4 ऐड करेंगे ठीक ना, थर्ड स्टेप में 3 + 4 ऐड करते हैं, 7 + 1 = 8 हो गया। फिर यहाँ जो 0 है उसको ऐड करेंगे 3 में, 0 को 3 में ऐड करते हैं आप ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3806। अब यही हम यहाँ डबल करके कर ऐड करते हैं ठीक है, तो 6 × 2 = 12 आया 2, 1 आगे ऐड करेंगे, 4 × 2 अब प्लस 6, 4 × 2 + 6 तो 8 + 6 देखो 4 × 2 + 6 ये +1 कैरी, 5 × 14 = 15 = 5 1 हाँ से। फिर अभी एक आगे बढ़ेगा, अभी ये 1 हटा देते, फिर ये आपको देखते हैं 3 × 2, अब इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 + ये प्रीवियस नंबर 4 अब प्लस ये 1 कैरी, तो ये कितना हो गया 6 + 4 10 + 1 = 11, तो यहाँ आ गया 1 हम लोगों का ठीक है, फिर 1 कैरी होगा अब आगे। अब यही काम हम लोग 0 के लिए करते हैं, तो ठीक है 0 × 2 एंड प्लस ये प्रीवियस नंबर 3 और ये +1 कैरी 4, ये आ गया 4152। सिंपल कैलकुलेटर है, कुछ खास नहीं इसमें।
अब जो काम यहाँ इंटू टू करके करते हैं वही काम हम लोग यहाँ इंटू थ्री करके करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, इंटू थ्री तो 18 हुआ, 8 यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे देखो इंटू थ्री एन प्लस 6 एन प्लस ये कैरी 1, तो ये हो गया 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 1 19, 19 का 9, फिर आ गया 1 हमारा पीछे कैरी का आगे कैरी करने। फिर वही काम यहाँ करते हैं इंटू थ्री प्लस 4 और प्लस ये 1 कैरी, तो ये हो गया 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, 4 फिर आ गया 1 हमारा आगे। अब यहाँ पे ठीक वही से अज्यूम करेंगे 0, फिर इंटू थ्री एंड प्लस 3 और प्लस ये 1 कैरी, तो ये हो गया 0 और प्लस 3 प्लस 1 4, ये आ गया 4 4 9 8। ठीक है, तो अब इसी तरीके से कुछ अलग एग्जाम्पल अब हम लोग लेते हैं, जरा उसको भी करके देखें किस तरीके से हो रहा है। चार और पांच डिजिट के नंबर हम लेते हैं, ठीक है ना, तो अब 4 डिजिट के नंबर लेते हैं 7 4 3 6 × 11, फिर लेते हैं 7 4 3 6 × 12, फिर लेते हैं 7 4 3 6 × 13। अब जरा देखा जाए सेम वही तरीका, यहाँ 6 लिखे, फिर 6 प्लस 3 9 लिखे, फिर 4 प्लस 3 7 लिखे, 7 प्लस 4 11 लिख दिए, और 0 प्लस 7 7 प्लस 1 8, ये सिंपल एकदम 8 1 7 9 6। अब एक काम यहाँ करते हैं हम लोग डबल करते जाएंगे, 6 × 2 12 हो गया, 3 × 2 6 + 6 12 + 1 13 हो गया यहाँ पे 1, फिर देखते हैं 4 × 2 8, 8 + 3 11 + 1 12, 1 आ गया हमारा, फिर 7 × 2 14, 14 + 4 18, 18 + 1 19, 9 आ गया, फिर 0 0 × 2 0 + 7, 7 + 1 8 हो गया, तो 8 9 2 3 2। अब सेम प्रोसेस यहां भी अप्लाई करते हैं हम लोग इंटू थ्री करके, तो 6 × 3 18, 8 हो गया, 3 × 3 9, 9 + 6 15, 15 + 1 16, 6 हो गया, फिर देखते हैं 4 × 3 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16, 6 आ गया, फिर देखो 7 × 3 21, 21 + 4 25, 25 + 1 26, 2 आ गया, 0 + 7 7, 7 + 2 7 + 2 9 आ गया हमारा, तो 9 3 6 8 आ गया। अब जरा से बड़े डिजिट के नंबर लेते हैं 9 8 7 4 6 4 × 11, फिर वही काम यहां भी करते हैं 9 8 7 4 6 4 × 12, फिर यहां पे लेते हैं 9 8 7 4 6 4 × 13। अब जरा इसको देखा सेम प्रोसेस हम लोग अपना, 11 के टेबल की जरूरत नहीं है, बस ऐड कर दो 4 6 + 4 10, 7 + 4 11 + 1 12, फिर 8 + 7 15 + 1 16, 9 + 8 17 + 1 18, 0 + 9 9 + 1 10, ये आ गया कितना 108 6 2 10, 1 8 कुछ लग रहा है छूट रहा है, तो यहाँ पर हो गया 4 6 + 4 10, 1 आ गया, 4 + 6 10, 10 + 1 11, 1 आ गया, 7 + 4 11, 11 + 1 12, 1 आ गया, 8 + 7 15, 15 + 1 16, 1 आ गया, 9 + 8 17 प्लस 18 8 आ गया, 1 9 1 10, 108 6 2 104। ठीक, अब डबल वाले में देखते हैं 4 × 2 8, 6 × 2 12, 12 + 4 16, वहां 1 आ गया, 6 × 2 8, 4 × 2 8, 8 + 6 14, 14 + 1 15, फिर 1 आ गया, 7 × 2 कितना हो जाए 14 + 4 18, 14 + 4 18 + 1 19, 9, फिर 1 आ गया हमारा, 1 आ गया, 8 × 16, 16 + 7 23, 23 + 1 24, 4 आ गया, अब यहां पे 2 हो गया, 9 × 2 18, 18 + 8, 18 + 8 26, 26 + 2 28, यहां 2 आ गया फिर से, फिर यहाँ पे 0 एज्यूम करेंगे, तो 0 + 9 9, 9 + 2 11, 1 1 8 4 9 5 6, सेम प्रोसेस हम लोग 13 के लिए भी अप्लाई करते हैं। जरा देखा जाए 13 ध्यान से, कैलकुलेशन ज्यादा है थोड़ा,
6 4 into 3 12, 1 6 into 3 18 plus 4, 18 plus 4 22 plus 1 23, ये हो गया यहाँ पे 2। अब देखते हैं नेक्स्ट डिजिट 12, 12 फोर इंटू थ्री 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20, फिर 2 हो गया। 7 into 3 21, plus 4 25, 25 plus 2 27, फिर 2 हो गया। फिर आ जाए 8 into 3 24, 24 plus 7 31, 31 plus 2 33, अब इस बार 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 8 हो गया। अब 9 देखते हैं, 9 into 3 27, 27 plus 8 35, 35 plus 3 38, यहाँ पे 3 आ गया हमारा फिर से। अब 0 0 plus 9 9 9 plus 3 12, ये हो गया हमारा 1 2 8 3 7 0 3 2। तो इस तरीके से हम लोग इजीली कैलकुलेशन विदाउट टेबल लर्न किए भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुछ खास नहीं। हाँ, लेकिन इस प्रोसेस को हम आगे नहीं कंटिन्यू करते, मतलब 14-15 के लिए अप्लाई नहीं करते, क्योंकि और ज्यादा वो लेंदी हो जाएगा, 13 तक ही लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग आगे दूसरा मेथड देखेंगे बाद में। फिलहाल ये 11-12 के लिए बेस्ट मेथड है, 13 के लिए अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड अब आगे देखते हैं।